हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी सारी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत सारे वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करे, किस तरह से सर्जरी होती है सब कुछ, तो आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहले से ही देख रहे हैं और मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप मेरे वीडियो को कितना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाता रहूं। तो ये 17 महीने का मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, सामने से देखिए कितना ज्यादा बेटर जो है वो लग रहा है। पहले की आप कंडीशन देख सकते हैं, देखिए पहले कितनी ज्यादा कंडीशन कैसी थी, ठीक है ना। अब हेयर के अंदर क्या कंडीशन है वो भी आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों फोटोग्राफ में कितना ज्यादा चेंजेस जो है वो लग रहा है, ठीक है। ये देखिए सामने से देखिए हेयर लाइन, ठीक है। पहले जो दोस्तों, अगर पहले की बात करूं तो मैं इस तरह से बाल ऊंचे करके कभी नहीं चल सकता था ना, ऐसे ऊंचे करते ही नहीं था। ये देखो, ये मेरी हेयरलाइन बनी है सामने से, देखिए आपने, ये तो मेरे पहले के यहाँ पे जो है ये पूरे जो है हेयरलाइन बनी हुई है, वरना ये इतनी ज्यादा, ये कॉर्नर इतने ज्यादा चले गए थे, पूरे जो कॉर्नर है ना, देखिए दोस्तों ट्रांसप्लांटेड हेयर जो है ये देखिए, ये पूरे ट्रांसप्लांटेड हेयर है। ये क्या है कि पीछे डोनर जो पीछे की साइड से लिए गए थे, तो यहाँ के हल्के से मोटे तो अलग जो है थोड़े मोटेपन पे दिखते, और ये जो मेरे पुराने एग्जिस्टिंग हेयर ये हल्के से पतले, एक बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ये जो है जो खुद जो व्यक्ति है जो वो पता कर सकता है जिसका हेयर ट्रांसप्लांट है, बाकी कोई भी पता नहीं कर सकता है चीज को, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर है, ठीक है ना। तो ये ट्रांसप्लांट इतना कॉर्नर जो है मेरा खाली हो गया था, और इधर से भी यही कंडीशन थी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये जो बाल दिख रहे हैं ना आपको, ये ट्रांसप्लांटेड हेयर है पूरे, ठीक है। तो इतना ज्यादा मेरा कॉर्नर जो है वो खाली हो गया था, दोनों साइड के कॉर्नर जो है वो खाली हो गए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए रिजल्ट, अब आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा पास आके, तो जिससे आप मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अच्छे से देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सामने से पहले मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको। आप बोलते हैं एग्जिस्टिंग हेयर भी बताइए, है ना। ट्रांसप्लांट एरिया मैं बता दूंगा कहाँ तक ट्रांसप्लांट हुआ था और कहाँ एग्जिस्टिंग हेयर है, ठीक है। ये देखिए, है ना, ये देखिए, ये देखिए, आगे थोड़ी डेंसिटी ज्यादा लगती है ना, यहाँ पे हल्की कम हो सकती है लगती, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग हेयर है, इनमें फॉलिंग चलती रहती है ना, और स्टॉप भी हो जाती है मिनोक्सिडिल वगैरह जो ट्रीटमेंट वगैरह से जो है, ये जो है काफी अच्छा रहता है, वरना ये मेरा एग्जिस्टिंग हेयर जो हेयर है वो कब का खाली हो जाता, क्योंकि मेरे को जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो लगी गई थी ना, क्योंकि ये जेनेटिक है हमारे इसमें, मेरे पापा की भी पूरी साइड है गई है, यहाँ पे बाल कम है, ठीक है ना। मेरे अंकल की अगर बात करूँ तो ये पूरा एरिया है ना पूरा खाली हो चुका है, बस कुछ कुछ बाल ही वहाँ पे। तो ये PRP मिनोक्सिडिल वगैरह का कमाल है कि ये यहाँ पे टिके हुए, वरना ये बहुत जल्दी खाली हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा था कि पहले खाली हो जाएगा, बट जब मैंने ट्रांसप्लांट करा तो उस समय जो है, उसके बाद में मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह लिया है ना, ट्रीटमेंट मेरा पूरा पूरा जो है सूरत से लिया था, तो उनके बाद में उन्होंने जो है, उनकी बदौलत है कि जो है ये हेयर इतनी अच्छी कंडीशन में है मेरे अभी, है ना, यानी एग्जिस्टिंग है। वरना जो है दोस्तों, आगे आगे बात करूंगा, ठीक है, पहले तो आपको रिजल्ट बता देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये इधर के भी कॉर्नर देखिए, ठीक है, ये देखिए, सभी जगह से मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे से मांग ऐसे निकलती जैसे ट्रांसप्लांट कराया था, अभी निकली थी ना, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, ठीक है, और है ना। तो जैसी मांग निकालना चाहो, ये देखिए, देखिए हेयर की कंडीशन, आगे आपको एकदम परफेक्ट मांग नहीं निकलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पूरे ग्राफ ऐसे लगे थे ना, यहाँ पे तो अपने जो नेचुरल हेयर है यहाँ पे ग्राफ लगे थे। ये देखिए कंडीशन हेयर की, डेंसिटी देखिए, है ना, बहुत ही गजब की डेंसिटी है यहाँ पे इतने एरिया में, है ना, इतने एरिया में, और एक कॉर्नर में बहुत ज्यादा, इतने इतना एरिया, ये कॉर्नर में इतना इतना एरिया, ठीक है। ये वाला कॉर्नर देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, है ना, हेयर की कंडीशन कितनी बढ़िया है, ठीक है। तो ये मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है। और दोस्तों, पेन वगैरह जो दर्द वगैरह तो ट्रांसप्लांट में भी कोई ज्यादा नहीं होता है। हाँ, मेरे से ये स्पेशली सवाल पूछते हैं, मैंने एक वीडियो डिटेल में बताया क्या पेन है, लिंक ऊपर आ जाएगा, फ्लैश हो जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वीडियो की। तो उसमें उस समय मैंने वीडियो बनाया जब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, तो उस समय की जो फीलिंग क्या थी, कैसा फील हो रहा था, वो सब कुछ जो है इस वीडियो में डाला। फिर भी आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि पेन इतना होता है कि अगर आपको कोई बोलता है ना कि तू गंजा है, या फिर कहीं आप 10 जगह 10 जनों में खड़े और कोई बीच में अगर आपको बोल देता है तो बाल का मेरे है, ऐसा कुछ बोल देता है ना, मजाक उड़ा देता है, तो उस समय जितना दर्द होता है ना, उस समय आपको जितना दर्द फील होता है उससे लाख गुना
कम दर्द जो है आपको हेड ट्रांसप्लांट की सर्जरी में होगा। ये रियल बात है दोस्तों, आप खुद भी कराएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज मैंने बोली है, और बोली तो सही बोली है नहीं बोली है। ठीक है, या सामने से भी आप देख लीजिए क्या कंडीशन है, ये देखिए है ना कितने अच्छे जो है बाल लगते हैं, ये देखिए है ना। अगर पहले कोई मेरे को देखता 17 महीने पहले है ना, 18 महीने पहले अगर देखता हेयर ट्रांसप्लांट से पहले, तो मैं इतना ज्यादा अलग लगता था, पूरे बाल क्या रहता ना, कम बाल को आप कितना भी फैला के रखो तो वो चंपू जैसे ही लगेंगे ना, चिपक जाएंगे, क्योंकि ज्यादा बाल ही नहीं तो फिर वो कितने अच्छे लगेंगे ना सामने से। तो ठीक है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद में दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए डॉक्टर आपको जिस तरह से बताते है ना, जो जो मेडिसिन आपको बताते वो लीजिए। एक्चुअल में मेडिसिन कोई ज्यादा होती नहीं है, 5 दिन की जो एंटीबायोटिक है वो तो अलग है कि किसी तरह के सर्जरी से आपको इंफेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए वो दी जाती सिर्फ 5 रोज की, वो तो खत्म हो जाती। उसके बाद अच्छा रिजल्ट आ जाए उसके लिए केवल 3 चीजें देते हैं डॉक्टर, 3 से 4 चीज। एक तो आपको मिनोक्सिडिल देंगे है ना, उस जो है आपको ऊपर से लगाना रहेगा, एक लोशन वगैरह रहता है ना, लोशन के या सोल्यूशन रहता है मिनोक्सिडिल है ना, वो देते हैं। दूसरी चीज है, आपको एक फिनासिराइड टेबलेट दे सकते हैं और बायोटिन टेबलेट दे सकते हैं। बायोटिन टेबलेट की अगर बात करें तो मल्टी विटामिन टेबलेट रहती है ना, उसमें न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं और बायोटिन होता है, यही होता है, तो इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट होते ही नहीं है ना, नहीं के बराबर साइड इफेक्ट है। और फिनास्टेराइड देते, तो ये दो दो टेबलेट देंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं देते, और एक आधी कोई दे तो दे सकता है कोई से, और बाकी दो चीज जनरली हर क्लिनिक पे दी जाती है। और जो मिनोक्सिडिल वो दी जाता है वो ऊपर से यूज करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि आपका रिजल्ट और भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे एक बात और दोस्तों, कि मान लो कि आपको कहीं पे अच्छा सर्जन मिलता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ना, आप मुझसे पूछते हैं तो मुझसे कुछ हेल्प लेना चाहें किसी भी चीज से, तो हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी, तो मेरा नंबर आ जाएगा, तो इससे पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अच्छा सर्जन अगर थोड़ी दूर भी मिलता, आपको कुछ ट्रेवल करके जाना भी होता है, तो आप चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार सर्जरी अच्छी हो जाती है तो इसका मजा आप काफी लंबे समय तक ले सकते हैं, लाइफ टाइम ले सकते हैं ना, कि अगर अच्छी सर्जरी हो जाती तो किसी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं रहता है, वो बंदा एकदम बिंदास रहता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति की अच्छी सर्जरी हो जाती है उसे पता है ना, और लगभग सभी की अच्छी सर्जरी हो रही है आजकल। तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखो दोस्तों, MD डॉक्टर हुए, हेयर MD हुए, डर्मेटोलॉजिस्ट हुए, उसके बाद में प्लास्टिक सर्जन हुए, ये अगर सर्जरी करते तो काफी अच्छी सर्जरी जो है वो होती है। उसके साथ में जो है टेक्नीशियन जो ग्राफ्टिंग करते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस रहते हैं तो ग्राफ्टिंग भी काफी अच्छे से आपकी होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी है ना। तो एक बार फिर से, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप मेरे से आगे भी इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, मैं आपको इसी तरह से जानकारी के भरे वीडियो दूँ, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बोलिए, मुझे बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कमेंट जरूर कीजिए। और किसी तरह का सवाल है आपके मन में तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं किसी तरह की कोई इंक्वायरी लगे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, कि आपको कितने ग्राफ लग सकते हैं, जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों कॉल एक बार ध्यान रखिए कि आप मुझे अगर कॉल करें तो सुबह 10 से लेके रात को 8 के बीच में कॉल कीजिए। इसके बाद में क्या होता है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, 8 बजे बाद जनरली लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, और सुबह भी लेट उठते हैं ना, 8 बजे तो उठता, फिर 10 बजे तक तैयार होता है, तो उसके पहले मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ 10 के पहले, और शाम को भी 8 के बाद अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो आप इसके बीच में कीजिए, मॉर्निंग 10 से लेके रात के 8 बजे के बीच में काफी लंबा समय होता है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, और भी आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाऊंगा। ओके, मिलता आपसे एक और नए वीडियो में।